दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक सेट सोफा पॉलिश करने के लिए आपका कितना मटेरियल खर्चा होने वाला है। मैं क्यों बताऊंगा, ये अमर जी ने कमेंट किया है। अमर जी मुझसे पूछे हैं कमेंट करके कि 3 सोफा सेट का पॉलिश मटेरियल का नाम और कितना सामान लगेगा उसका लिस्ट भेज दो ना भाई। मतलब ये पूछ रहे हैं कि एक सेट सोफा में पॉलिश करने के लिए कितना मटेरियल लगेगा, हमारे पास जो है उसका लिस्ट भेज दो। तो मैंने सोचा दोस्तों कि ये बहुत लोगों का सवाल होगा, तो मैं आज जवाब दे दूं तो सबको जवाब मिल जाएगा जिनको ये कन्फ्यूजन होगी कि एक सेट सोफ़ा पॉलिश करने में कितना मटेरियल लग जाता है। ये बताने से पहले कि कितना मटेरियल लग जाएगा, ये बताने से पहले मैं एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों कि जैसे आपको ये सोफ़ा बनाना है तो ये जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है और कितनी लकड़ी लगाई जाएगी, तो इसके हिसाब से हम एग्जैक्ट ये जोड़ सकते हैं कि कितना फिट और कितना इंच जो है इसमें लकड़ी लगाई जाएगी। लेकिन पॉलिश में दोस्तों कोई भी कारीगर एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता है कि इतना लीटर और इतना ग्राम ही इसमें जो है मटेरियल लगेगा, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अनुमान लगा के लगभग जो है लोग बता सकते हैं कि इसमें लगभग कितना मटेरियल खर्चा हो सकता है। तो मैं भी दोस्तों लगभग ही बताऊँगा, उससे थोड़ा सा नीचे या ऊपर मटेरियल आपका खर्चा हो सकता है। मैं बतफा करने के लिए फ़ोन रखता हूँ साइड में, मैं एक दो चीज़ लिया हूँ। पहले मैं बता दूँ ये दो तीन चीज़ें लगती हैं, ये देखिए ब्राउन पाउडर और ये चाक मिट्टी है और ये पीली मिट्टी है। ये चीज़ें दोस्तों लगेगी, ये जो है हमने नेचुरल पॉलिश किया है तो इनमें ये चीज़ें लगेंगी। वैसे दूसरा भी कलर करेंगे तो यही तीनों चीज़ें इसमें लगती है। ये मिट्टी है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। ये देखिए दोस्तों छोटे छोटे पैकेट में आता है ये, तो ये पैकेट जो है 30 से 40 रुपए में जो है एक पैकेट आपको मिल जाएगा, यानी कि लगभग 60-70 रुपए के मटेरियल में ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये हो गया, और उसके बाद मैं बता दूँ उसके बाद जो है इसकी घिसाई करने के लिए ये मीटर पेपर का इस्तेमाल होता है 60 नंबर, तो ये भी जो है 1 से 1.5 मीटर जो है खर्चा हो जाएगा। तो ये भी लोग जो है 60-70 रुपये मीटर के हिसाब से ये आता है, तो इसको भी मैं रखता हूँ साइड में। और उसके बाद जो है ये पीला पेपर, ये भी 60 नंबर 80 नंबर आप ख़रीद सकते हैं। ये लो है जो है लगभग 10 पीस जो है एक सेट सोफ़ा में खर्चा हो जाएगा। तो ये जो है दुकान पे जो है 2 रुपये से लेके 5 रुपये तक जो है आपको मिल जाएगा, यानी 20 रुपये का ये मिल जाएगा। मतलब ये छोटा छोटा चीज़ है, ये 200 रुपये के आसपास में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद दोस्तों लगेगा सीलर और थीनर और ग्लॉक्सी, यही तीनों चीज़ें दोस्तों थोड़ी महंगी है। तो दोस्तों एक सेट सोफ़ा पॉलिश करने के लिए लमसम 6 लीटर के आसपास जो है थीनर आपका खर्चा हो जाएगा। तो थीनर जो है लो क्वालिटी का लेंगे तो 60-70 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन 100 रुपये के आसपास का लेंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का थीनर जो है आपको मिल जाएगा। तो उसमें जो है दोस्तों 6 लीटर के आसपास जो है इससे थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है। तो 6 लीटर जो है थीनर हो गया, और 3 लीटर के आसपास आपका सीलर लग जाएगा। और सीलर भी लगभग दोस्तों 250 से लेकर 300 रुपये लीटर तक मिलता है, वो डिपेंड ये करता है कि किस क्वालिटी का जो है किस कंपनी का आप जो है सीलर खरीद सकते हैं। तो 300 रुपये हम मान के चलते हैं तो 900 रुपये का 800-900 रुपये का लगभग सीलर लग जाएगा। और उसके बाद फिनिशिंग में दोस्तों 2.5 लीटर हमारा ग्लॉक्सी खर्चा होता है, तो वो भी 300 रुपये के आसपास आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे या ऊपर वो डिपेंड ये करेगा कि किस ब्रांड का आप ग्लॉक्सी खरीद रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं दोस्तों, ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक सेट सोफ़ा पॉलिश करने के लिए आपको लगभग जो है 2000 से 2500 रुपये तक जो है खर्चा आ जाएगा एक सेट सोफ़ा पॉलिश करने के लिए। इससे कम भी आ जाएगा, कैसे कि दोस्तों डिपेंड ये करेगा कि किस क्वालिटी का आप जो है पॉलिश कर रहे हैं। जैसे कि आप जो है कम खर्चे में भी पॉलिश कर सकते हैं, फिनिशिंग अच्छी आएगी। कैसे, जैसे हम कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, पिलर बना रहे हैं, तो उसमें जो है हम 4 mm का स्टील डाल रहे हैं या 8 का या 12 का या 18 का, और सीमेंट जो है किस रेशियो का हम बना के डाल रहे हैं मसाला, इस पर डिपेंड करता है कि कितनी मजबूत वो कॉलम और बिल्डिंग होगी। सेम उसी तरह जो है हमारा पॉलिश का मटेरियल भी है दोस्तों, कि पॉलिश के अंदर हमने क्या चीज़ लगाया है, कितना लगाया है, उसके हिसाब से दोस्तों डिसाइड होता है कि उसकी पॉलिश की लाइफ क्या होगी। तो हम कम माल लगाएंगे, सस्ता वाला माल लगाएंगे, तो तुरंत फिनिशिंग करेंगे तो चमक अच्छी आती है, बहुत अच्छी आती है। आप देख के पता नहीं लगा पाएंगे कि कम माल इसमें लगाया गया है, लोकल माल लगाया गया है, लेकिन वो जो है 15-20 दिन में ही उसका चमक डल होने लगता है, फिनिशिंग जो है डल होने लगती है। लेकिन अच्छी क्वालिटी का माल लगाएंगे और अच्छा लगाएंगे, जितना चाहिए उतना हम लगाएंगे, तो वो 1-2 साल तक जो है बिल्कुल बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो लमसम आप ये मान कर चल सकते हैं कि 2000-2500 तक जो है NC वाला, मैं NC बेस का मैं बता रहा हूँ, अगर हाई ग्लोस का करेंगे तो हाई ग्लोस का रेट ज़्यादा होता है, हाई ग्लोस में हर चीज़ रेट ज़्यादा है
और उसकी जो है लेबर रेट भी ज़्यादा है, हर चीज़ है। मैं एनसी बेस का बता रहा हूँ, जो नॉर्मली ज़्यादातर लोग पॉलिश अभी कर रहे हैं। हाई ग्लोस करेंगे तो उसका रेट और ज़्यादा हो जाएगा। हाई ग्लोस का भी अगर जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, तो हाई ग्लोस के बारे में भी मैं जानकारी दे सकता हूँ। फिलहाल आज जो मैंने बताया है एनसी बेस के बारे में बताया है, तो एक सेट सोफ़ा में 2,2500 के आसपास का आपका लागत आ सकता है।